डिंपल यादव लेंगी शपथ। लोकसभा में सुबह 11 बजे शपथ का कार्यक्रम है और लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष आज लेंगी शपथ। तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी फिलहाल दिल्ली जाएंगे। तो शपथ ग्रहण समारोह आज लोकसभा में डिंपल यादव लेंगी शपथ और सुबह 11 बजे लोकसभा में शपथ का कार्यक्रम है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी दिल्ली में मौजूद रहेंगे शपथ ग्रहण के दौरान। तो आज सुबह 11 बजे तो आज लोकसभा में डिंपल यादव लेंगी शपथ, सुबह 11 बजे का कार्यक्रम है। और इस बीच आपको बता दें डिंपल यादव की जो एक ऐतिहासिक जीत हुई है और वहां की जनता का जो जनसमर्थन था और उन्होंने साफ तौर पर कहा ये चुनाव जो जीती है वो नेताजी को एक श्रद्धांजलि के तौर पर देखा जा रहा है। तो फिलहाल आज लोकसभा में डिंपल यादव लेंगी शपथ और सुबह 11 बजे लोकसभा में शपथ का कार्यक्रम। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी दिल्ली में रहेंगे आज शपथ ग्रहण के दौरान। तो उपचुनाव के नतीजे जिस तरीके से, रामपुर की बात करें, मैनपुरी की बात करें और मुजफ्फरनगर की खतौली सीट, तो अब देखिए अब शपथ ग्रहण समारोह का। तो आज लोकसभा में डिंपल यादव लेंगी शपथ। और इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता, हमारे तेज तर्रार रिपोर्टर संजय चौहान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वाति लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। संजय, जिस तरीके से अब डिंपल यादव को लेकर के बात करें तो डिंपल यादव का आज शपथ ग्रहण समारोह है एक ऐतिहासिक जीत के बाद और एक बार फिर आज अब पद और जिम्मेदारी। बिल्कुल आलोक, मैं बताऊं आपको कि जिस तरीके से मैनपुरी की बड़ी जीत हासिल हुई है समाजवादी पार्टी को और खास करके समाजवादी पार्टी की जो उम्मीदवार रही और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल, वो मैनपुरी से तकरीबन 3 लाख मतों से जीत करके आई है और कहीं ना कहीं ये बड़ा चुनाव था। पूरा परिवार पूरी समाजवादी पार्टी की प्रतिष्ठा का सवाल था इस सीट को जीतना और यही वजह है कि पूरे परिवार ने वहाँ पर ताकत झोंकी और इस चुनाव ने इस परिवार को एक बड़ी ताकत दी है कि पूरा परिवार जिस तरीके से अलग था और खास करके शिवपाल यादव वो सबके सब साथ आ गए, उसके बाद पार्टी का विलय भी हो गया और अब आगे भविष्य में साथ चलने की कसमें भी खाई गई। तो ऐसे में बड़ी जीत हासिल हुई थी और उस जीत के बाद आज तकरीबन 11 बजे लोकसभा में उनका जो शपथ है वो ग्रहण करेंगे। आज सांसद के तौर पर बताया जा रहा है कल 5:30 पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल वो सैफई से रवाना हो गए थे, बाई रोड सीधे पहुंचे थे। पहले उनका कार्यक्रम सुबह निकलने का था लेकिन अचानक कार्यक्रम में बदलाव हुआ और शाम को तकरीबन 5:30 पर वो दिल्ली के लिए रवाना हुए और आज तकरीबन 11 बजे बताया जा रहा है कि लोकसभा में वो शपथ लेंगे। बिल्कुल, शपथ लेगी। स्वाति के पास चलेंगे। स्वाति, आज इस तरीके से लोकसभा में शपथ ग्रहण समारोह है, 11 बजे का वक्त है वो मुकर्रर किया गया है, फिलहाल और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? अखिलेश यादव तो साथ में रहेंगे, दिल्ली जाएंगे। देखिए आलोक, जिस तरह से मैनपुरी सीट को समाजवादी पार्टी ने जीता है और सीधे तौर पर अभी संसद की कार्रवाई जो है वो चल रही है और ऐसे में डिंपल यादव जब जीत चुकी है चुनाव तो सीधे तौर पर आज संसद भवन पहुंचेंगी और साथ में सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी मौजूद रहेंगे और सदन की कार्रवाई शुरू होते ही डिंपल यादव शपथ लेंगी, स्पीकर उन्हें शपथ दिलाएंगे और उसके बाद जो है जिस तरह से सदन की कार्रवाई आगे चलेगी, हम सब ने देखा कि किस तरह से मैनपुरी से जो तस्वीरें निकल कर आई, चाहे समाजवादी पार्टी की एकता की बात करें, परिवार की बात करें, एकजुटता की बात करें, समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी सीट से सीधे तौर पर संदेश देने का काम किया है कि परिवार एक है, जिस तरह से लगातार बीजेपी की तरफ से तमाम आरोप लगाए जा रहे थे। तो अब से थोड़ी देर बाद जो है अखिलेश यादव अपने आवास से डिंपल यादव के साथ बताया जा रहा है कि निकलेंगे संसद भवन के लिए और वहां पर सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले जो है वो डिंपल यादव को स्पीकर शपथ दिलाएंगे और वहां पर अखिलेश यादव भी मौजूद रहेंगे। बिल्कुल, अखिलेश यादव भी मौजूद रहेंगे। संजय के पास रुख करेंगे। संजय, चूंकि आप जिस तरीके से लगातार कवर करते आए हैं, स्पेशल इंटरव्यूज भी आपने लगातार भेजे, बड़ी बात यह कि जिस तरीके से मैनपुरी की जनता की अगर बात करें तो आसपास के जो विधानसभा क्षेत्र है, जो इलाका है पूरा, वहां के लोगों को किस तरीके से उत्साह साफ तौर पर नजर आ रहा है, वो चाहे चुनाव के पहले देखा जाए और अब उम्मीदें भी उतनी ज्यादा हैं डिंपल यादव से कहीं ना कहीं वहां की जनता को।
लोकसभा का चुनाव जो उपचुनाव हुआ उस उपचुनाव में मैनपुरी ने ऐतिहासिक जीत समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर डिंपल जी को दी है, तो ऐसे में हर वर्ग हर समाज ने वोट किया है। और वहां पर जिस तरीके से जो फैक्टर की बात करें, अगर सियासी फैक्टर की बात करें, तो कोई जाति समीकरण नहीं, वहां पर हर वर्ग ने डिंपल जी को अपने हाथों हाथ लिया और नेताजी की बनाई मैनपुरी और मैनपुरी की बनाई नेताजी का जो स्लोगन समाजवादी पार्टी ने दिया था वो पूरी तौर पर वहां पर देखने को मिला। अब रही विकास की बात, तो अक्सर समाजवादी पार्टी पर यह आरोप लगते रहे हैं कि विकास के जो मुख्य स्रोत है वो सैफई इटावा मैनपुरी फर्रुखाबाद औरैया के ये जो जनपद है 5-7 उन जनपदों में ज्यादा फोकस रखता है समाजवादी पार्टी, ये आरोप उनके ऊपर लगते रहे। तो विकास के एजेंडे समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी में वो तय कर दिए हैं, वो सेट कर दिए हैं कि कोई भी मुख्यमंत्री अपने जनपद को किस तरीके से बना सकता है, वो फैक्टर वहां पर तेजी से लागू होता है। और यही वजह है कि मैनपुरी ने वहां पर पूरा विश्वास समाजवादी पार्टी के परिवार पर, वहां के कुनबे पर जताया और एक बड़ी जीत दी। अब आगे का कार्यक्रम जो है वो डिंपल के हाथों में एक बड़ी जिम्मेदारी, एक बड़ी चुनौती के साथ में कि नेताजी की विरासत को आगे लेके जाना है। नेताजी के साथ जो विश्वास लोगों को पैदा था, जो लोगों का तो इस परिवार के साथ है, उसे आगे लेकर के जाना है और उसे कंटिन्यू लेकर के रखना है। ये एक बड़ी चुनौती भी है कि उसे कैसे डिंपल ली और भाषण किया पूरा परिवार की बात है, साथ ही एक संदेशा देने की कोशिश। और वो डिंपल यादव जब किस तरीके से परिणाम आए उसके बाद उनकी परिपक्वता साफ तौर पर देखी जा सकती है कि इस तरीके से वो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो नेताजी को एक सच्ची श्रद्धांजलि है और उसके बाद उनके श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए, तो राजनीतिक परिपक्वता अब डिंपल की साफ तौर पर समझी जा सकती है। क्यों स्वाति जी? बिल्कुल, देखिए नेताजी के निधन के बाद ही मैनपुरी सीट पर उपचुनाव हुआ था और जिसके बाद डिंपल यादव ने प्रचंड जीत हासिल की थी। जिस तरह से प्रचार किया गया इसे भी समझना होगा कि शुरुआती दिनों में किस तरह से शिवपाल यादव को लेकर जो चर्चाएं तेज हुई, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार परिवार पर निशाना साधा जाता था कि अखिलेश यादव ने परिवार को छोड़ दिया है, चाचा को नहीं पूछ रहे हैं, ये तमाम आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया जाता रहा है। लेकिन मैनपुरी सीट पर जब उपचुनाव हो रहा था उस दौरान समाजवादी पार्टी की बात करें, अखिलेश यादव की हम सीधे तौर पर बात करते हैं, तो जो संदेश देने का काम अखिलेश यादव ने मैनपुरी सीट से किया है वो संदेश पूरे देश भर में गया है। बीजेपी जो लगातार निशाना साध रही थी उसको भी संदेश देने का काम अखिलेश यादव ने किया है कि जब जब चाचा पहुंचते थे तो अखिलेश यादव सीधे पैर छूते थे और एक मैसेज देने का काम करते थे, पूरा परिवार एक साथ एकजुटता के साथ नजर आया था। बिल्कुल, एकजुटता साफ तौर पर नजर आई। बहुत बहुत शुक्रिया यादव की बात करें।